इस टाइम पे रिलेशन बनाने से पुरुष का ऑयक्रोमोजोम बेबी बॉय होने की चांसेस कई गुना बढ़ जाती है। बेबी बॉय को कॉन्सीव करने के लिए महिला का ओवुलेशन का टाइम। नमस्ते गाइस, प्रेगनेंसी एंड न्यूबोर्न टिप्स में आप सभी को दिल से स्वागत है। चलिए आज का वीडियो से बेबी बॉय कॉन्सीव करने की तरीका जानते हैं। गाइस, बेबी बॉय प्राप्त करने के लिए पुरुष का ऑयक्रोमोजोम महिला की अंडा के साथ फर्टिलाइज होना पड़ता है। पुरुषों में दो तरह की क्रोमोजोम होती है, पहला एक्स क्रोमोजोम और दूसरा ऑय क्रोमोजोम। अगर पुरुष का ऑय क्रोमोजोम महिला का अंडा में फर्टिलाइजेशन होती है तो आप समझ लीजिए निश्चित रूप से आपकी घर बेबी बॉय आ रही है। आइए जानते हैं पुरुष का ऑयक्रोमोजोम को महिला की पीरियड होने के बाद किस समय रिलेशन बनाने से फर्टिलाइज होने की चांसेस सबसे ज्यादा होती है। नॉर्मली महिला का ओव्यूलेशन पीरियड के बाद लगभग 12 से 15 दिन के अंदर हो जाती है और इस समय एक महिला प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। गाइस, आप दोनों को इस दौरान जरूर ध्यान रखना है बेबी बॉय को कॉन्सीव करने के लिए। ओवुलेशन का टाइम पे जब महिला का ओवरी से अंडा रिलीज होंगे उस ओवुलेशन के दौरान ही आपको रिलेशन बनाना है, क्योंकि इस टाइम पे रिलेशन बनाने से पुरुष का ऑयक्रोमोजोम महिला का अंडे में फर्टिलाइज होने की चांसेस सबसे ज्यादा होती है। अगर आप इसी समय महिला का अंडों में ऑयक्रोमोजोम को फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करवाने में सक्षम होती है तो बेबी बॉय होने की चांसेस कई गुना बढ़ जाती है। आप लोग सोच रहे होंगे बेबी बॉय को कॉन्सीव करने के लिए ओवुलेशन का टाइम पे रिलेशन बनाना इम्पोर्टेंट है। यस गाइस, क्योंकि पुरुष का ऑयक्रोमोजोम महिला का ओनी के अंदर लगभग 24 से 36 घंटे तक ही जीवित रहती है और एक्स क्रोमोजोम लगभग 4 से 5 दिन तक ही जीवित रहती है। इसलिए बेबी बॉय को कॉन्सीव करने के लिए महिला का ओवुलेशन का टाइम ही सबसे बेस्ट माना गया है। गाइस, ओवुलेशन कब होगी इसका पता लगाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा पीरियड होने के 10 से 12 दिन के बाद आपका ओनी में चिपचिपा पदार्थ सर्दी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं। जब ये सिम्टम आपको दिखाई देगी आपको समझ लेना है आपका ओवुलेशन अंडे रिलीज हो रहा है। गाइस, पुरुष का ऑयक्रोमोजोम नेचुरली बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस बारे में वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा मालूम है ना आपको। यस गाइस, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गाइस, आज का वीडियो का इन्फॉर्मेशन और रिसर्च डॉक्टर शटल्स की जानकारी की आधार पर प्रोवाइड किया गया है। डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एडुकेशनल पर्पस ओनली। मेरा यूट्यूब चैनल जेंडर प्रिडिक्शन का सपोर्ट नहीं करता है और बेबी जेंडर बॉय और गर्ल का भेदभाव करना इंडियन गवर्नमेंट की नियमों के खिलाफ है, जो आप लोगों को पूरा ध्यान रखना चाहिए। लड़का हो या लड़की, दोनों को ही बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।